आज पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सिंध की बेटियां, जो लापता अफराद हैं, उनकी फैमिलीज कराची प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल पर बैठी थी। सियासी कारकुन सिंध के भूख हड़ताल पर बैठे थे, अदीब और दानिश्वर भी उनके साथ थे, और हमारे जो गुमशुदा यानी सैकड़ों की तादाद में गुमशुदा जो सियासी वर्कर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी फैमिलीज़ की तरफ से जब भूख हड़ताल पर आज बैठे बैठे गए वो लोग, जिनमें खादिम आरी जो हिदायत लोहार, उनकी बेटियां तनवीर आरी जो सोरठ लोहार, नीलम आरी जो सस्वी लोहार, ये जब भूख हड़ताल पर बैठी तो पाकिस्तान की एजेंसियों ने, पुलिस ने, रेंजर्स ने और खुफिया इदारों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज की। हमारी बच्चियों के कपड़े तक फाड़े गए हैं, और ये इंसानी हुकूक की एक खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया को अब समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक और मजलूम कौमों के हुकूक और वजूद के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के अवाम हैं, कौमें हैं, उन्होंने पाकिस्तान के वजूद का सीधा और इनडायरेक्ट इनकार कर दिया है।